हेलो स्टूडेंट्स सो टुडे वी विल लर्न चैप्टर नंबर थ्री रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स ओके सो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स की व्हाट इज रिप्रोडक्शन एग लेइंग एनिमल्स वो कौन से एनिमल हैं जो एग ले करते हैं ठीक है फिर एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर बेबीज वो कौन से एनिमल हैं जो अपने बेबीज़ को डायरेक्टली बर्थ देते हैं फिर how they are going to care about their babies okay so first thing that you need to learn in this chapter is what is reproduction This question ka answer to question me pucha hoga ki what is reproduction to learn from here to here what is reproduction reproduction is the process by which an animal or plant is able to produce one of its own kind ओके okay, एक बार मेरे साथ रिपीट करो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एन एनिमल और प्लांट इज एबल टू रिप्रोड्यूस वन ऑफ इट्स ओन काइंड ये रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है बेटा जिससे एनिमल और प्लांट अपनी ही टाइप के को रिप्र प्रोड्यूस करती है ठीक है अपनी ही टाइप को प्रोड्यूस करती है जैसे अगर कोई ह्यूमन बीइंग होगा तो क्या वो किसी मंकी को बर्थ करेगा क्या हैंड से कभी भी काफ बन सकता है हैन के ऐग से कभी भी काफ बनेगा या काऊ से काऊ का बेबी कभी भी डोंकी हो सकता है नॉट पॉसिबल तो जब ये अपनी ही स्पीशीज को प्रोड्यूस करती हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन अब सेकेंड क्वेश्चन होता है कि रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट क्यों है बेटा तो रिप्रोडक्शन अर्थ के ऊपर लाइफ सर्वाइव करती रहे अर्थ के ऊपर लाइफ कंटिन्यू बनी रहे इसीलिए क्या इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन क्योंकि हर एनिमल की हर प्लांट की हर ह्यूमन बींग की लाइफ लिमिटेड है एक टाइम के बाद क्या होगी उसकी डेथ होगी फिर अर्थ के ऊपर लाइफ कहाँ से लाएंगे दैट इज वाई रिप्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो आई होप रिप्रोडक्शन इज वेरी क्लियर टू यू ओके रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है कंटिन्यूटी ऑफ स्पाइसिस के स्पीशीज़ के लिए स्पाइसिस स्पीशीज़ के लिए कंटिन्यूटी स्पीशीज़ की बनी रहे इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कुछ इमेजेस दी गई हैं देखो मदर के साथ उनका बीबी है काउ के साथ अपना काफ है हैन के साथ अपना चिक है है ना अब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एग लेंगे एनिमल तो वो कौन से एनिमल हैं जो एग ले करते हैं यस ड फिश फ्रॉग रेप्टाइल इंसेक्ट बर्ड फिश फ्रॉग रेप्टाइल इंसेक्ट रिप्रोड्यूस बाय लेंग एग भले वो इंसेक्ट्स रे, हो रेपाइल ओ फ्रॉग हो फिश ओ बर्ड हो वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं बेटा बाय लेंग एग्स ओके अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपके माइंड में आ रहा होगा मैम वी डोंट नो रेप्टाइल्स वी डोंट नो इंसेक्ट्स सो यस स्टूडेंट्स इस चैप्टर को बहुत ही प्यार से डिजाइन किया गया बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा गया है यहाँ पर आपको वो अभी आगे पता चलेगा रेप्टाइल क्या है और इंसेक्ट क्या है सो डोंट वरी यस बर्ड आप सबको पता है फिश भी पता है एंड फ्रॉग भी आपको पता है ओके नाउ बोर्ड आई होप यू all हैव सीन nest, यू ऑल हैव सीन बर्ड ओ एंड द बेबीज ऑफ द बर्ड ओके आप सब ने nest घर के आसपास कभी देखा होगा कुछ बच्चों ने तो उसको टच भी करने की कोशिश की होगी किसी ने जब बेबी आ जाते हैं बर्ड के तो उनको फूड भी देने का ट्राई किया होगा आई होप यूल यू ऑल अगर किसी ने भी किया है तो डू राइट इन comment सेक्शन की मैम मैंने किया था एक बार ओके okay? बट बेटा आपको ऐसे नहीं करना है ठीक है क्योंकि इससे क्या होता है कई बार एग हर्ट हो जाते हैं कई बार मदर बर्ड हर्ट हो जाती है कई बार बेबीज हर्ट हो जाते हैं तो डोंट डू दैट ओके इट इज नॉट अ गुड एक्टिविटी यस सो बर्ड रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग बर्ड कैसे रिप्रोड्यूस करती है अपने बेबी को एग को लेकर के ठीक है कहाँ पर एग ले करती है नेस्ट में कहा पर चिड़िया अपने अंडे देती है कहाँ पर देती है बेटा नेस्ट में ठीक है फिर उनको वार्म रखने के लिए जो बोर्ड होती है वो उनके ऊपर सिट सिट करती है ठीक है ठीक ऑन टू कीप वो एग शो होते हैं उनको हैच होने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है और वो टेम्परेचर उनको कौन देती है मदर और फादर बर्ड द एग हैच एंड बेबी बर्ड कम आउट जैसे ही एग हैच होगा ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको एग टूट गया है हैच हो गया और ये छोटा सा क्यूट सा बेबी बर्ड बाहर आ रहा है ठीक है और क्या ये बेबी बॉड डोंकी की तरह दिखेगा क्या नॉट पॉसिबल दे आर ऑफ द सेम काइंड एज देयर पेरेंट्स वो अपनी पेरेंट्स की तरह ही होगा ठीक है ये स्टूडेंट्स वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एग अब एग का स्ट्रक्चर क्या होता है तो ऑल बर्ड सिमिलर स्ट्रक्चर जितने भी बर्ड्स होते हैं भले स्मॉल हो लार्ज हो वेरी लार्ज हो सबके एग का स्ट्रक्चर सिमिलर ही होता है कितना इजी है एक बर्ड के एग के स्ट्रक्चर को लर्न करो सारे बर्ड्स के एग के स्ट्रक्चर लर्न हो जाएगा ठीक है तो देखो आप हम लोग पढ़ते हैं ठीक है यस yes. स्ट्रक्चर आप लोगों के घर में सबने ऑमलेट खाया होगा सबने ने बॉयल एग खाया होगा तो आपको पता होगा एग के बाहर एक हार्ड कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं शेल ठीक है फिर आपने एग के अंदर एक येलो पार्ट भी देखा होगा सारे स्टूडेंट्स ने देखा होगा जो वेजिटेरियन है हो सकता है उन लोगों ने ना देखा हो पर वो इस डायग्राम में देख लें कैसे बीच में जो पार्ट होता है इस पार्ट को हम बोलते हैं योक वाई ओ एल के योक ठीक है और बहुत सारा जेली लाइक सब्सटेंस होता है इसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन ओके ठीक है आप इसके बाद क्या होता है ये देखो येस ये एग था ये रहा एग ये वाला एग नहीं ये वाला एग इस एग को प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन किया किसने मेंटेन किया प्रॉपर रैक के ऊपर सेट करके हैने एक टाइम के बाद एग हैच हो गया मतलब एग टूट गया तो एग से बाहर कौन आया चिक अब यह चिक धीरे 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 बड़ा हो जाएगा और फिर क्या बन जाएगा एडल्ट एडल्टन ओके चलो अब हम पढ़ते हैं क्या लिखा है हमारी बुक में सारे बर्ड्स के एग का सिमिलर स्ट्रक्चर होता है पहले उनके ऊपर एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको हम शेल बोलते हैं हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम क्या बोलते हैं शेल शेल के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स वाइट जेली लाइक -like सब्सटेंस शेल के अंदर क्या होता है जेली लाइक -like सब्सटेंस वो जो जेली लाइक -like सब्सटेंस होता है वो प्रोटीन में बहुत रिच होता है क्या होता है प्रोटीन में बहुत रिच होता है और उस लाइक सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा क्या बोलते हैं ठीक है अब मिडल में क्या होता है मिडल में होता है योग वो रिच होता है विटामिन में और मिनरल्स में योग के अंदर क्या होता है विटामिन मिनरल एल्बुमिन में क्या होता है लाइक सब्सटेंस में क्या होता है प्रोटीन ओके जो चिक होता है ये वो इस येलो पार्ट से ही बनता है जो चिक होता है बेटा वो येलो पार्ट से ही बनता है और ये जो प्रोटीन जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है ये उसको जब तक एग ग्रो में बेबी रहता है उसको फूड देने का काम करता है ठीक है और जो ग्रोइंग चिक होता है उसको हम क्या बोलते हैं एम्ब्रायो ओके इट यूजेज योक एज फूड इट यूजेज योक एज फूड ठीक है येस स्टूडेंट्स तो वन मिस्टेक आई हैव डर्न दैट मिस्टेक आई नीड टू शॉर्ट आउट ओके क्या मिस्टेक की मैंने बेटा मैंने क्या बोला जो 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 एम्ब्रायो होता है जो ग्रोइंग चिक होता है वो फूड किससे लेता है एल्बोमिनसे पर ये तो रॉन्ग है वो फूड किससे लेता है योग से लेता है किससे लेता है योग योग के अंदर ही बेबी चिक ग्रो करता है और वहीं पर योग से ही उसको क्या मिलता है फूड योग बहुत रिच होता है किसमें विटामिन में मिनरल्स में, में तो ये योग बेबी को फूड देने का काम भी करता है और इस योग के अंदर ही क्या होता है बेबी ग्रो करता है ठीक है तो फॉर गॉट अबाउट वट आई सेड वट आई सेड रॉन्ग ओके यस द ग्रोइंग चिक इज गोल्ड एम्ब्रायो ग्रोइंग चिक को हम क्या बोलते हैं बेटा एम्ब्रायो ठीक के बाद ग्रोइंग चिक इज गोल्ड एम्ब्रायो यस इट यूजेज द योग एज एट्स फूड योग का फूड किस की, की तरह कर योग को वो फूड की तरह यूज़ करता है कौन यूज़ करता है एम्ब्रायो अब बेटा जो एम्ब्रायो है डेवलप्स इन टू अ चिक एक जो एम्ब्रायो है वो चिक तभी बन पाएगा बेटा जब ऐप को प्रॉपर आप वॉर्म रखें ठीक है अगर आप एग को प्रॉपरली वॉर्म नहीं रखेंगे उसको प्रॉपर वॉम तो नहीं मिलेगी प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलेगा ना बेटा तो वो कभी एम्ब्रायो चिक में डेवलप नहीं कर पाएगा ठीक है तो इसीलिए जो हैन होती है वो अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए प्रॉपर टाइम देती है हम प्रॉपर सीटिंग देती है किसके ऊपर एग के ऊपर के आई होप दिस मच इज़ क्लियर एंड आई एम सेंग सॉरी अगेन ग्रोइंग एम्ब्रायो इज गेटिंग फूड फ्राम योक नॉट फ्रॉम

दे आर सराउंडेड बाय काइंड ऑफ जेली ये उस जो जो फिश का जो एग होता है उसके आसपास क्या होती है जेली होती है मीनी एग्स एंड यंग फिश आर इटन बाय बिगर फिशेजा पिट फ़िश के साथ एक प्रॉब्लम होती है फ़िश के साथ कि बहुत सारे फ़िश एग तो दूसरे बड़े फ़िश खा लेते हैं प्लस बहुत सारे बेबी फिश को भी आप बड़े फिशेस खा जाते हैं जैसे आप सबके घर में अगर एक्वेरियम होगा तो देखना बेटा अगर कोई आपकी फ़िश गलती से एक्वेरियम में अगर बेबी फिश देती है ना तो जो बड़ी फिशेज़ होती हैं वो उनको खा जाती हैं ठीक है इसीलिए फिग अपनी स्पीशीज को फिश अपने स्पीशीज को कंटिन्यू रखने के लिए थाउजेंड्स ऑफ एग्स देती हैं अगर बड़ी फिश ने एग खा लिए छोटे बेबीज को भी खा लिया तो कुछ तो सर्वाइव कर पाएंगे है ना तो देखो ये लाइफ साइकिल है फिश की एग एग से फिर वो इस फॉर्म में आएगी छोटी फिर इस तरीके से ग्रो कर जाएगी ठीक है फ्रॉक ठीक है ये फ्रॉग स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन लैंड फ्रॉग अपना बहुत सारा टाइम कहाँ पर देता है लैंड के ऊपर देता है पानी में भी रहता है लैंड के ऊपर भी रहता है पर ज़्यादा टाइम किसके ऊपर रहता है लैंड के ऊपर पर जब उसको एग ले करने होते हैं पर जब उसको अंडे देने होते हैं तो वो कहाँ जाता है बेटा वाटर में ठीक है द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग हैज फोर स्टेजेस ये फ्रॉग की लाइफ साइकिल में कितने स्टेज होंगे फोर ठीक है अभी हम पढ़ेंगे बेटा वो बहुत सारे एग एग का एक क्लस्टर जिसको हम स्पॉन बोलते हैं वो कहाँ पर देता है बेटा वाटर के अंदर ठीक है जो एग क्लस्टर होता है फ्रॉक का उसको हम क्या बोलते हैं स्पॉन धीरे धीरे स्पॉन का एमए डेवलप करते हैं बेटा टेडपॉल में देखो ये एग है ग्रुप्स क्लस्टर इसको हम स्पॉन बोलेंगे स्पॉन का आई डेवलप करेगा टेडपॉल में धीरे 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 जो टेडपॉल है वो ग्रो करेगा ठीक है स्लोली काय में चेंज होगा यंग फ्रॉग में चेंज होता जाएगा धीरे धीरे देखो ये जो इसकी टेल है टेल छोटी होती जाएगी और लेग्स बड़े होते जाएंगे ये वाले जो लेग्स है देखो अभी टेल बड़ी है लेग्स छोटे हैं देखो यहाँ फिर से दिखाती हूँ टेल कितनी बड़ी है लेग छोटे हैं फिर धीरे धीरे को देखो, देखो लेग्स बड़े होते जाएंगे और टेल गायब हो जाएगी ठीक है स्लोली चेंजेस इन टू यंग फ्रॉक लैग्स ग्रो लॉन्गर धीरे धीरे पैर बड़े होते जाएंगे और टेल पूछ छोटी होती जाएगी दैन इट ग्रोस इन टू एडल्ट फ्रॉक धीरे से वो एडल्ट फ्रॉक बन जाएगा जिसकी कोई भी टेल नहीं होगी ठीक है देखो एडल्ट फ्रॉक और टेड पॉल में कितना डिफरेंस है टेड फॉल की इतनी बड़ी टेल है पर एडल्ट फ्रॉक की तो टेल है ही नहीं ठीक है इसीलिए ये जो ड्रास्टिक चेंज हो रहा है इतनी बड़ी टेल से नो टेल इस प्रोसेस को पूरी कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा मैटाम क्या बोलते हैं मैटामिस ठीक है पहले एग का क्लस्टर बना जिसको हमने स्पॉन बोला स्पॉन से टेडपोल हुए टेटपोल धीरे धीरे यंग फ्रॉग बने यंग फ्रॉग से धीरे धीरे लैग्स ग्रो करने लगी टेल छोटी होने लगी जब वो एडल्ट फ्रॉग बन गया तो उसकी तो कोई टेल थी नहीं और इस कंप्लीट प्रोसेस को फ्रॉम टेटपोल टू तो एडल्ट फ्रॉग हम इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या मिट्टोरफिस फ्रॉम स्पॉनिंग टू एडल्ट फ्रॉक सब कुछ यहाँ पर हैं देखें और सीखें यहाँ पर मिलेगा आपको अपने क्वेश्चन का आंसर कि वॉट इज रेप्टाइल्स ओके रेप्टाइल क्या है मैम ने बता दिया था कि रेप्टाइल लैक देते हैं बट व्हाट इज़ रेप्टाइल तो बेटा वो सारे एनिमल वो सारे एनिमल लाइक लिजर्ट टोटल स्नैक ठीक है इन सबको हम क्या बोलते हैं बेटा रेप्टाइल ठीक है ले देयर एग्स ऑन ग्राउंड ये अपने जो एग्स होते हैं वो कहाँ देते हैं ग्राउंड में देते हैं आफ्टर लेइंग द एग्स सम ऑफ दैम गो अवे एंड नेवर कम बैक एक बार एग दिए चले गए ये वापस से कभी नहीं आएंगे ठीक है द एग्स आर वॉर्म्ड बाय द हीट ऑफ द सन क्योंकि बेटा लैंड के ऊपर है ठीक है तो जो एनिमल है वो उनके पास नहीं है तो गॉड ने इनको क्या गिफ्ट दिया है कि इनको वो हम किस से मिल जाएगी सन से मिल जाएगी एंड आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय देयर पेरेंट्स पेरेंट्स ध्यान ही नहीं देते इनके ऊपर मे आर रिटर्न अप बाय अदर एनिमल्स बहुत सारे एग्स को तो दूसरा एनिमल खा लेते क्योंकि पेरेंट्स उनके साथ ही नहीं है ना पेरेंट्स तो चले गए एक बार आए कभी, कभी कभार देखने आए कभी तो बिल्कुल चले गए ठीक है तो रेप्टाइल्स वो एनिमल होंगे जैसे लिजा टोटोल डो स्नैक ये अपने एग कहाँ पर देते हैं बेटा ग्राउंड पर देते हैं और एक बार एग दे दिए तो कुछ तो इनमें से ऐसे जाते तो दोबारा अपने एग को देखने ही नहीं आते कुछ कभी कभार आ जाते हैं ठीक है अब इनके एग को वो हम कौन देगा हमने देखा था ना कि भाई चिक से एम्ब्रायो डेवलप सॉरी एम्ब्रायो डेवलप कब होगा कब होगा जब उसको प्रॉपर वार्म मिलेगी तो इनको किन इन से मिल रही है तो इनको वार्म मिल रही है बेटा सन से नॉट बाय देयर पेरेंट्स क्योंकि पेरेंट्स उनकी प्रोटेक्शन ही नहीं कर रहे हैं अब क्योंकि पेरेंट्स इनके पास नहीं है एग यू ही है तो बहुत सारे एनिमल्स इन एग को हाँ, खा जाते हैं ठीक है क्रोकोडाइल के एग्स ठीक है ये लिजर्ड के एग्स टोटल ये स्टूडेंट सब नेक्स्ट कैटेगरी है इंसेक्ट जितनी भी इंसेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे रिप्रोड्यूस करते हैं uh, तो आपने देखा होगा थ्री स्टेजेस इन देयर लाइफ स्टाइल ओके इनके लाइफ स्टाइल में कितने स्टेजेस होते हैं थ्री आफ्टर हैचिंग फ्रॉम द एग द यंग लुक लाइक द इज विंगलेस ठीक है जैसे एग टूटेगा तो जो बेबी होगा वो यंग की तरह तो दिखेगा पर उसके विंग्स नहीं होंगे इसलिए इसको क्या बोलते हैं निम्फ ठीक है इट बिकम्स एन एडल्ट आफ्टर शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन जैसे उसकी ओल्ड स्किन छोल ख़त्म हो जाएगी शेड कर जाएगी उसके बाद वो किसकी तरह दिखेगा यंग वन की तरह ठीक है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा मोल्टिंग आपको डायग्राम से समझ में आएगा स्टूडेंट्स वन मोर मोर थिंग आई वॉन्ट टू एड दैट इज अब मैडम ने बता दिया कि इंसेक्ट ग्रास ऊपर है कॉकरोच है या रेप्टाइल लिजर्ड है टोटल है स्नैक्स है पर किस किस कौन से एनिमल को हम रेप्टाइल्स की कैटेगरी में डालेंगे तो वो थोड़ा सा सुनो ध्यान से जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं कैसे बेटे इनका जो ब्लड होता है कोल्ड होता है दूसरी बात ये रेंगते हैं चल नहीं पाते हैं ये क्या करते हैं रेंगते हैं देखो इनके तो विंग्स भी नहीं दिखेंगे आपको इनके रेप्टाइल्स के विंग्स नहीं होते हैं ये चल नहीं पाते हैं ज़मीन के ऊपर रेंगते हैं अब जैसे आप बोलोगे मैडम टोटल तो चल रहा है तो बेटा टोटल चल रहा है उसके पैर हैं पर टोटल प्रॉपर चल पा रहा है क्या रेंग रहे हैं ये सारे एनिमल क्या हो रहे हैं बेटा रेंग रहे हैं ठीक है इनका ब्लड को कोल्ड है ठीक है कैसा ब्लड है बेटा इनका कोल्ड है इनके स्किन के ऊपर स्केल्स होते हैं ठीक है नेक्स्ट अगर आप कोई पूछता है कि इंसेक्ट तो क्या है तो इंसेक्ट होते हैं जिनके सिक्स लैग होंगे कितने लैग होंगे बेटा सिक्स लैग्स होंगे और विंग्स भी होंगे तो इंसेक्ट में आप किस किस को काउंट करोगे वो सारे एनिमल जिनके सिक्स लैग हों प्लस विंग्स हों ठीक है अब जैसे लिजाट के तो विंग नहीं होते ना तो लिजाट को आप इंसेक्ट बोलोगे क्या नहीं टर्टल के विंग नहीं होते तो टर्टल को क्या इंसेक्ट बोलोगे नहीं बोलोगे ठीक है अब आपने इंसेक्ट की क्या कैटेगरी है डू रिमेंबर जिनके क्या हो सिक्स लैक्स हों प्लस वेंगस हों बात समझ में आई ठीक है आपको कॉकरोच है कॉकरोच को कभी आप क्या बोलोगे हमेशा इंसेक्ट ही बोलोगे कभी रेप्टाइल बोलोगे क्या नहीं क्योंकि तो कॉकरोच उड़ सकता है फटाफट फट चल सकता है ठीक है ज़मीन पे भी चल रहा है उड़ भी रहा है और स्पीड तो कॉकरोच की इतनी फटाफट इतनी अच्छी होती है कि कभी मारने का ट्राई करो आप कॉकरोच को मजा ही आ जाएगा यस yes. तो अब इंसेक्ट की लाइफ साइकिल मुझे आपको दिखानी है ना यस yes. ये रहा एक एग से बना निम्फ और निम्फ से बना एडल्ट कॉकरोच यस yes. अब हम बोर्ड की बात सॉरी uh, बटरफ्लाई की बटरफ्लाई ने दिया एग एग से बना कैटरपिलर कैटरपिलर और बर्ड एग जैसे दिख रहे हैं क्या आपको इसमें से कौन ब्यूटीफुल लग रहा है आपको किसको पकड़ोगे कैटरपिलर को बर्ड को पर दोनों को ही नहीं पकड़ना आपको ना कैटरपिलर को ना बर्ड को ओके okay? फिर एग से निकला कैटरपिलर कैटरपिलर प्यूपा में कन्वर्ट हुआ प्यूपा मतलब हार्ट शेल कवरिंग आ गई उसके ऊपर और प्यूपा से निकलता है फिर एडल्ट बटरफ्लाई ठीक है butterfly यस yes. insects लाइक like butterfly अंडर four फोर स्टेजेस mein में फोर स्टेजेस होती हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की ठीक है कॉकरोच में थी बटरफ्लाई में फोर द यंग वन हैच फ्रॉम एग पहले यंग वन हैच से आएगा ठीक है वो अपने एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होगा जैसे मैंने यहाँ पर दिखा है ना कैटरफ्ल बिल्कुल अलग like so, है बटरफ्लाई से इट लुक्स मोर लाइक अ वार्म में वॉर्म की तरह दिख रहा है ना

द लार्वा फेट्स एंड ग्रो रैपिडली धीरे धीरे लार्वा जो है ग्रो कर जाएगा रैपिडली मतलब जल्दी जल्दी करेगा ठीक है आफ्टर टाइम धीरे धीरे नहीं रैपिडली जल्दी जल्दी आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स ईटिंग एंड मेक्स अ कवरिंग फॉर इट्सैल्फ थोड़े टाइम के बाद वो ईट करना बंद कर देगा और अपने लिए एक कवरिंग तैयार करेगा हार्ड कवरिंग और उस कवरिंग वाले फॉर्म को हम क्या बोलेंगे प्यूपा और इनसाइड द कैटरपिलर कीप्स ऑन चेंजिंग और इस प्यूपा के अंदर जो कैटरपिलर है वो अपने आप को चेंज कर रहा है इन फ्यू वीक्स थोड़े ही वीक में प्यूपा बस्ट ओपन हो जाएगा वो हार्ट कपरिंग टूट जाएगी और उससे क्या निकलेगी एडल्ट बटरफ्लाई और फिर वो फ्लाई करने लग जाएगी ठीक है ये सी स्टूडेंट्स एनिमल दैट गिव बर्थ टू देयर बेबीज वो एनिमल जो अपने बेबीज को बर्थ देते हैं वो कौन सा एनिमल है काऊ रेड बफेलो हॉस गोट लोन और हम ह्यूम्स भी ओके okay? तो वो सारे एनिमल्स जो अपनी बेबी को डायरेक्ट बो देते हैं बेबी को बो देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं मैमल्स ओके एनिमल दैट गिव बो टू देर बेबीज एंड चक्कुल आर कॉल्ड मैमल्स ओके दे गिव बर्थ टू देर यंग वन सब कौन कौन है जो अपने यंग वन को बर्थ देते हैं तो रेट कैट डॉग काउ बफेलो हॉर्सेस गोट लॉयन आपको इसमें से फाइव तो बिल्कुल लर्न होने ही चाहिए थे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन्स हम 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 भी तो क्या अपने यंग वन को ही बर्थ देते हैं ना ठीक है सम वाटर एनिमल लाइक वेल्स डॉल्फिन आर ऑल्सो मेमल्स ठीक है डॉ जो देखो वैसे तो व्हेल्स डॉल्फिन हैं ये वाटर के अंदर है कुछ लोग इनको फिश बोलते हैं ठीक है फिश की कैटेगरी में रखते हैं पर ये भी अपने मैमल्स ये भी मैमल्स हैं ये भी अपनी यंग वन को बर्थ देते हैं अब एक ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आएगा नेम दो फ्लाइंग मैमल वो एनिमल वो मैमल का नाम बताओ जो फ्लाई कर सकती है तो वो कौन है बैट हिंदी में चमगादड़ ओके okay, तो बैट इज फ्लाइंग मैमल बैट क्या है ये फ्लाइंग मैमल है ये भी अपने यंग वन को बर्थ देती है इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट सम मैमल लाइक स्पिनी एंटीटर सो जो स्पेनी एंटीटर है एंड डग बिल प्लेटपस है ये भी एग देते हैं ठीक है ये से स्टूडेंट्स आप मुझसे पूछो मैम ये तो हमने देखा ही नहीं है है ना तो अगर आपको देखना है चलो मैं दिखा देती हूँ एक बार है ना ये से स्टूडेंट्स तो ये है स्पाइनी एंटेटर ओके इसको शायद घूस बोलते हैं एक बार अपने पेरेंट्स को दिखाना हिंदी में घूस बोलते हैं स्पाइनियन एंटेटर ठीक है ये से स्टूडेंट्स एंड ये है डग बिल्ड प्लेट बस ठीक है तो ये दोनों ही ठीक है क्या करते हैं ये भी अपने वन को ही बर्थ करते हैं मैमल्स हैव मोस्ट डेवलप्ड ब्रेन्स मैमल्स के पास सबसे ज़्यादा डेवलप्ड ब्रेन्स होता है एमंग ऑल एनिमल्स जो के सारे एनिमल्स में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड ब्रेन्स किसके पास है बेटा मैमल्स के पास ही होता है ठीक है आपको जब भी आप गाओ को आप लोगों ने देखा होगा सब लोग रोटी खिलाते हैं तो जब हम गाय को रोटी खिलाने के लिए आवाज़ लगाते हैं है ना ले ले तो वो अपने पास आती है सेम विद डॉग डॉग तो अपने जो मास्टर होता है जो जो जिसके घर में वो पैट एनिमल होता है वो उसको जानने लगता है ठीक है उसको सारे रास्ते याद हो जाते हैं आपने वेल्स के शोज़ देखे होंगे है ना डॉल्फिन के शोज़ देखे होंगे तो ये सबसे डेवलप्ड ब्रेन वाले एनिमल्स होते हैं कौन मैमल्स ओके द बॉडी ऑफ मोस्ट मैमल इज कोवर्ड विथ हेयर जितने भी मैमल्स होते हैं उन सबके ऊपर क्या होते हैं बेटा हेयर्स होते हैं सा बहुत सारे मैमल्स लैंड के ऊपर होते हैं और लंग्स से ब्रीद करते हैं मोस्ट लिखा है ऑल नहीं लिखा है मोस्ट ओके मोस्ट मैमल्स लीव ऑन लैंड एंड ब्रीथ टू लंग्स पर वेल्स तो ऐसा नहीं करती है ठीक है केयर ऑफ यंग वंस यस इट इज़ द लास्ट टॉपिक अब यंग वन्स की केयर कैसे होती है मैमल्स टेक केयर ऑफ़ देयर बेबीज़ फॉर लॉन्ग टाइम सबसे ज़्यादा अगर अपने बेबी की कोई केयर करता है तो वो मैमल्स ही होते हैं ठीक है ठीके? और उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर कोई केयर करता है तो वो होते हैं ह्यूमन है ना जब हम बहुत पढ़े भी हो जाते हैं क्लास फोर्थ में भी आ पाए हैं तभी भी मम्मी पूछती है ऐसे करो ऐसे करो ऐसे नहीं करो बेटा ऐसे बॉटल ऐसे टिफ़िन है ना तो सबसे ज़्यादा केयर कौन करता है मैमल्स करते हैं और उस मैमल्स में भी सबसे ज़्यादा केयर कौन करते हैं बेटा तो ह्यूमन्स ओके द मदर फीड्स द बेबी विथ हर ओन मिल्क मम्मी अपने बेबी को ख़ुद फीड कराती है अपने मिल्क से शी प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एनीमी उनको एनीमी एनीमी के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट भी करती है जैसे जैसे वो क्रो करती हैं उनको बताती है कि कैसे फूड लेना है कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करना है इन सर्टेन मैमल फादर ऑल्सो हेल्प हम अगर ह्यूम्स की बात करें तो मदर फादर दोनों का रोल होता है बहुत सारे मैमल्स में भी मदर फादर दोनों का रोल होता है एनिमल्स में भी ऐसे ही होता है मेल क्या करते हैं हंट करके आते हैं बेबी के लिए फूज और मदर गार्ड करती है तब तक यंग वंश को आई होप दिस चैप्टर इज़ वेरी क्लियर टू यू इफ नॉट डू राइट इन कॉमेंट सेक्शनों के